अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटन की फाल। इसके लिए चाहिए 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून चिकन मसाला रेड कलर, कोई भी आप ले सकते हैं जो बाज़ार में मिलता है, लेमन जूस 1/2 कप, 1/2 kg मटन। पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। इससे पहले जब हम मटन के पीसेस काटते हैं तो पतले पतले पीसेस काटने होंगे ताकि वो अच्छे से पके जब हम पकाएं और जल्दी से पक जाएं। अगर पतले पीसेस नहीं हैं तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा स्मैश करेंगे, कोई भी हेवी चीज़ लेके आप इसको स्मैश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पतले पीसेस रहने चाहिए, तभी वो अच्छे से जल्दी गलेगा और अच्छे से पकेगा भी। अभी हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ लेमन जूस ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके, चाहे तो आप इमीडिएटली भी पका सकते हैं, यानी तो 1-30 मिनट्स आप मैरिनेशन के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप कुक कर सकते हैं। देखिए मसाला तो अच्छे से लग चुका है। अभी हम एक पैन लेंगे, पैन लेके इसमें थोड़ा सा हम, और जब ये गर्म हो जाए थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर लेंगे। शैलो फ्राई करेंगे और धीमी आंच पे फ्राई करेंगे हम लोग। और हमने जो मटन पीसेस रखे हैं वो ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से आप ऐड कर लीजिए और इसको धीमी आंच में पकाइए ताकि वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। एक साइड पकने के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। देखिए ये पक चुका है ऑलमोस्ट एक साइड। अब हम इसको थोड़ी देर में टर्न कर लेंगे इस तरह से। अभी हम दूसरी साइड भी इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से गल जाए। देखिए ये ऑलमोस्ट अभी पक चुका है। देखिए इस तरह से पक जाना चाहिए। अभी हम इसको साइड में निकाल लेंगे। हमारी गर्मा गर्म मटन फाल बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट भी ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हम अपने वीडियोस इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।